लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। ये अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र का कटेहरी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ सभी प्रत्याशियों के सपोर्टर हैं, हम उनसे समझेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, अपने प्रत्याशियों को समर्थन के लिए किन मुद्दों को हवा दे रहे हैं, किन मुद्दों को तूल दे रहे हैं। भाजपा से यहाँ जो मौजूदा सांसद हैं, बसपा से सांसद थे लेकिन इस बार भाजपा से उम्मीदवार हैं रितेश पांडे, सपा से लालजी वर्मा है जो कटेहरी से ही विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, वो भी कभी बसपा से ही विधायक थे। तो यहाँ त्रासदी ये है कि सभी प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार जो है वो बसपा से ही आयातित हैं। हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है, किन मुद्दों पर चुनाव है। साधु यादव जी, सपा से जुड़े हुए हैं आप जी, क्या है जो मतलब अब एक सप्ताह से कम समय में वोटिंग होना है, कैसा लग रहा है यहाँ का चुनाव, किस तरह दिशा में जा रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ जनता लालजी वर्मा के पक्ष में एक जाई हो चुकी है। उसका रीजन ये है कि वर्तमान सांसद जी हमारे यहाँ के अंबेडकर नगर की समस्या को तो इन्होंने लोकसभा में प्रमुखता से रखी, लेकिन जो जनता के बीच समय नहीं दे पाए इसका खामियाजा माननीय सांसद जी को सुनने में ही मिल रहा होगा। और दूसरी बात, हमारे अंबेडकर नगर की जनता जो सबसे ज़्यादा आक्रोशित है, जो गरीब चट्टी चौराहे पर पान की गिमटी ठेला लगाने वाले वर्ग का पैसा सहारा इंडिया ने डकार के बैठ गई है, और 7 साल से बीजेपी की सरकार 10 साल से लगातार है, गरीब जनता का पैसा दिलवाने का कोई विचार नहीं की, जिससे हमारे बाजार वासियों में भी जिले में भी आक्रोश का माहौल। अच्छा, यहाँ सहारा के बहुत निवेशक हैं क्या? सहारा के जो भी एजेंट थे सारा पैसा डकार गए, जो हम लोग गरीब 100-200 सब्जी के लिए रखे थे, सरकार ने एजेंडा जारी कराया कि आप ऑनलाइन कराइए आपको पैसा मिल जाएगा, 100-200 लाइन लगा के ऑनलाइन करवाए और किसी को एक भी पैसा रिफंड। सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया था, मुझे याद है कि पोर्टल भी लॉन्च किया था, उस पर जो क्लेम करेंगे, जो डॉक्यूमेंट होगा, जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट होगा उनके पैसे वापस होंगे। कितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, सब काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने अपना ऑनलाइन करवाया और उनको कोई भी पैसा नहीं मिला। अच्छा साधु यादव जी, आप तो चूंकि नेता हैं तो आपको लगता है क्या ये सहारा का जो पैसा है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सके? जो मोची की दुकान लगा रहा है, जो ठेला सब्जी की दुकान लगा रहा है, ऐसे लोगों का पैसा जिसने भी खाया है, 15 लाख का सपना दिखाने वाले 15,000 जिनका खा गई है उसके पे विचार नहीं किए, तो जनता ऐसे लोगों को नकार रही है। पर जो सहारा एक समय में आप जिस दल से जुड़े हुए हैं जी, सहारा एक समय में उनके बहुत करीबी थे जी, उनकी जो सफाई में जो महफिलें जमती थी उसमें उसकी शोभा बढ़ाते थे सहारा श्री? नहीं बढ़ाते थे, लेकिन मान लीजिए उन्होंने गलती कर दी, शोभा बढ़ाई, सब कुछ किए, लेकिन जब पैसा कोर्ट का आदेश आया रिफंड करने के नाम पर, सहारा ने उनका हमारे गृह मंत्री शाह जी ने कहा कि मैं पोर्टल लॉन्च कर रहा हूँ और पैसा अपने माध्यम से रिफंड कराऊंगा, इस पर इन्होंने 10 साल में क्या किया? पोर्टल तो अभी पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। पिछले साल में कितने लोगों का पैसा रिफंड हुआ, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं अपने लोकप्रिय सांसद जो वर्तमान में है, यहाँ जनता उपस्थित है कटेहरी में, आप सर्वे कर लीजिए, यहाँ की मांग ने उन्होंने प्रमुखता से उठाई और कई काम भी कराए हैं, जैसे निरामपुर में क्रॉसिंग अंडरपास बनवाने का काम किया, ये उनका काम सराहनीय था, लेकिन तमाम बड़ी कैजुअल्टियाँ घटी जिससे प्रतापपुर चमुरखा नहीं कटेहरी विधानसभा हिल गया, और सबसे बड़ी ग्राम पंचायत हमारी प्रतापपुर चमुरखा है, इतनी बड़ी बड़ी कैजुअल्टियाँ घटी, अगर कोई व्यक्ति बता दे कि हमारे द्वार तक आए हैं तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे। नहीं, उन आपकी बात हम उन तक रखेंगे, लेकिन मुझे आपकी बात में ना, जो आप शुरू जहाँ से कर रहे हैं और अंत जहाँ पे कर रहे हैं, दोनों में विरोधाभास दिखता है। आप कहते हैं हमारे लोकप्रिय सांसद, हाँ, काम उन्होंने कराया है, हाँ, ठीक है, और तीसरे पॉइंट पर जब आते हैं तब आप कहते हैं कि वो दुख में नहीं आए। हाँ भाई, जनता के बीच में नहीं रहे, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने काम किया तो लोकप्रिय कैसे हो गए जब जनता के बीच में? जैसे जिन लोगों का व्यक्तिगत काम किया उनके लिए लोकप्रिय हो गए। अच्छा, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं उनके निध का अगर एक बोर्ड लगा हो तो हमको जनता को दिखा दे मैंने ये काम करवाया है। यहाँ पर उन्होंने बहुत काम नहीं करवाया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हमारी विधानसभा, हमारे प्रतापपुर चमुरखा में जहाँ का मैं निवासी हूँ, यहाँ उन्होंने काम नहीं करवाया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये मैंने शुरू में भी कहा, सभी पार्टी यहाँ बसपा से ही उम्मीदवार लाए हैं, आप लोगों के यहाँ नेताओं की कमी है क्या? नहीं, आपकी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन कुछ नेता इधर से भी भाग के गए हैं। क्या हम लोग जब गठबंधन में इनको सांसद बनाए थे तो ये उम्मीद नहीं थी कि ये पार्टी छोड़ के जाएंगे? क्या बसपा इनको निकाली नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाजपा वाले भी बसपा वाले को उम्मीदवार बनाए हैं, और आपके जो लालजी वर्मा हैं जी, वो भी सपा बसपा से ही आए थे जी जी। मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है, बस ये जो अम्बेडकर नगर सीट है ये बसपा का गढ़ रहा है जी, लेकिन आप लोगों के पास अपने उम्मीदवार तक नहीं थे क्या?
उम्मीदवार थे, लेकिन जो है ये देखा गया किनका ग्राफ अच्छा है, कौन इनको फेस कर पाएगा, कौन जनता के बीच में लोकप्रिय ज्यादा है, ऐसे सब डिसीजन करते हुए इनको चुनाव लड़ाया गया। क्या भाजपा से जुड़े लग रहा है? नहीं भाई साहब, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। नहीं, लेकिन गमछा बता रहा है कि भाजपा है। गमछा ये हिंदुत्व का प्रतीक है, इसलिए हम लोग भगवा गमछा धूप से भी बचाता है और समाज में दिखता भी है कि हम लोग हिंदू हैं। अच्छा, हरा गमछा धूप से नहीं बचाता है? नहीं, वो तो अपना अपना है? मुझे लगा इसमें कुछ स्पेशल है, धूप से बचाता है और हरा वाला धूप बढ़ा देता है क्या? नहीं, चुनावी मौसम है इसलिए लोग समझ जाते हैं। इसीलिए नेतागिरी है ना, नेतागिरी तो है ना, स्वीकार करने में नेता हो यार, तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि नेतागिरी चल रही है। भाजपा से जुड़े हैं? भाजपा से हम लोग समर्थन करते हैं उस विचारधारा का। अच्छा, उस विचारधारा का समर्थन करते हैं। क्या है उस विचारधारा में जिसका समर्थन करते हैं आप? ये एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र हित के लिए काम करती है, किसान हित के लिए काम करती है, युवाओं के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए काम करती है, गरीबों के हित के लिए काम करती है। किसानों के हित के लिए क्या किया है थोड़ा बता दीजिए। किसानों का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा है। कैसे? और 2000 रुपए उनके खाते में आ रहे थे। बहुत पुरानी, 6 साल से 2000 रुपए आ रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार बढ़ा देंगे। पिछले बजट जो अंतरिम बजट आया उसमें लोगों को उम्मीद थी कि चुनावी मौसम है, हो सकता है किसानों को ही कुछ मिल जाए, मिडिल क्लास को ही कुछ मिल जाए। कुछ मिला नहीं? नहीं, जो उनके हित के लिए है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित होकर के काम कर रही है जी। और महिलाओं को भी हमारे यहाँ ही लगभग 7,500 लोगों को लाभ मिल रहा है। किस हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है लगभग 71,000 लोगों को पूरे जिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है यहाँ पर। आप रोड देख लीजिए इस समय। अच्छा, एक चीज़ बताइए, रोड देख लिया, सड़क देख लिया, सब देख, बिजली देख लिया, हम पूरे प्रदेश में सुन रहे हैं। आप लोग युवा नेता है, सब नेता जब राजनीति करता है तो उस सबका सबकी आकांक्षा होती है कि विधायक सांसद बनना है, होती है जी। बाकी सब अपनी जगह पर होता है। आप लोगों को दुख नहीं होता है कि चुनाव से पहले कोई रितेश पांडे ज्वाइन करता है भाजपा, भाजपा कहती है हम कैडर बेस्ड पार्टी है और टिकट पा जाता है, पार्टी ज्वाइन करते ही टिकट पा जाता है। पार्टी ज्वाइन, देखिए वो भले बसपा में थे लेकिन उस दल में थे, उनका दिल नहीं लग रहा था उस पार्टी में। चुनाव से पहले कैसे दिल टूटता है, ये कौन सा ब्रेकअप है, मुझे इसकी केमिस्ट्री समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि रितेश पांडे को टिकट दे के कौन से कार्यकर्ता का सम्मान हुआ? उनके पिताजी सपा के विधायक हैं, वो बसपा के सांसद थे, चुनाव वो लड़ रहे हैं भाजपा से, जीत जाते हैं, उनके पिताजी भी बहुत संभावना है कि फिर भाजपा में शामिल होंगे, तो एक सीट आपके जो कैडर का की सीट खाएंगे वो फिर, तो इन सब चीजों पे दुख नहीं होता आप लोगों को? दुख नहीं होता, हमारे परिवार बढ़ रहा, हमारे इसमें दुख के क्या बात, हम लोग हर्ष है कि हमारे परिवार में नए नए लोग जुड़ रहे हैं। संपत्ति में जब हिस्सेदार बढ़ता है ना तो दर्द भी बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, जब परिवार बढ़ता है तो खुशी होती है, अपने परिवार को बढ़ता हुआ फलता फूलता देख कर सभी को खुशी होती है। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कैसा लग रहा है लालजी वर्मा वर्सेज रितेश पांडे? रितेश पांडे बहुत भारी मतों से अब की बार भारतीय जनता पार्टी से विजयी होने जा रहे हैं। अंबेडकर नगर की जनता ने अब की बार मन बना लिया, क्योंकि उसने पिछली बार 5 सीट सपा के खाते में दी, लेकिन एक काम नहीं बता सकते कि सपा के 5 विधायक ने किया हो, क्योंकि अपोजिशन में वो बैठेंगे, उनकी सरकार है नहीं। एक मुद्दा बता दीजिए, हमारे रितेश पांडे जी भले बसपा में थे लेकिन उन्होंने जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए सदैव नए नए प्रश्नों को संसद में उठाने का काम किया है और काम भी उनकी सुनवाई होकर हुए हैं। लेकिन सपा बसपा के लोग बता दें, सपा के लोग बता दें कि 5 विधायक है, कौन सा काम किया, कितनी बार उन्होंने विधानसभा में जनता के हित के लिए कौन सा मुद्दा उठाया। चलिए ठीक है, तो हम कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या नाम है सर आपका? फूलचंद वर्मा नाम है मेरा। अच्छा फूलचंद वर्मा जी, चुनाव आपके यहाँ 6-7 दिन में वोटिंग होगी जी, कैसा लग रहा है चुनाव का माहौल, क्या है, हवा किस तरफ है? चुनाव का माहौल दोनों पार्टियाँ टक्कर में है, लेकिन समाजवादी फाइट करेगी, हम लोगों का पूर्ण विश्वास है और इसमें किसी की आलोचना तो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जितने भी सरकारें आई सबने अच्छा काम किया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने किया है तो हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ पर हमको शुगर मिल दे दिया है और बहन जी ने हमको यहाँ जिला दे दिया है, बाकी किसी ने यहाँ एक ईटा भी नहीं रखा हुआ है। तो इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं कि जिसने हमारे लिए किया है वही फिर आ जाए तो ज़्यादा बेटर है।
जिसने किया है वही आ जाए, तो दिलीप पांडे ने, रितेश पांडे ने किया था। रितेश पांडे जी जब रहे होंगे तो क्या होंगे, अभी समय तो भाजपा में आ गए, उससे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। तो फिर वो परिवर्तन में समझ नहीं पाया कि आप कह रहे जिसने किया है वो हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि रितेश पांडे किए थे और फिर मेरा कहने का मतलब बसपा का तो वजूद ही खत्म हो रहा है लगभग, इसलिए समाजवादी पार्टी फिर आ जाए। अच्छा, आप चाहते हैं गठबंधन आ जाए समाजवादी पार्टी से, मेरा मतलब गठबंधन से है, क्योंकि 10 साल हो गया यहाँ एक ईटा भी बीजेपी ने नहीं रखा हुआ है। जो सत्य है वो मैं बोल रहा हूँ, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। हाँ, इस सरकार में बिजली की भरमार जरूर है, अब इनके नाते है या किसी और कारण से है ये भी बात अलग है। बिजली की स्थिति सुधरी है आपका? बिजली की स्थिति सुधरी है, बाकी कोई स्थिति नहीं सुधरी। सर को लोग यहाँ बाईपास के नाम पर तीन तीन बार बोला गया बाईपास नहीं बना, व्यापारी घुमरा में है। हमारे डिप्टी सीएम मौर्य जी कह के गए थे कि बाईपास की सौगात दे देंगे, लेकिन रोड है एक मिनट, एक मिनट, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त है। एक चीज बताइए, भाजपा एक सर सर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लखनऊ में भी बनेगी, दिल्ली में भी बनेगी, हमारे यहाँ ये मजबूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो चुनाव तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब ये सरकार आएगी तो हमारे यहाँ ध्यान देगी, सीधी सी बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रत्याशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल्ली में किसी की भी सरकार होगी सड़क तो बनेगी, सड़क तो बनेगी, रेलवे बनेगा, रेलवे थोड़ी खाली फैजाबाद में बनेगा और हम कटहरी में नहीं बनेगा। एक चीज है जो भाजपा समर्थक जो अक्सर कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि स्टेशन सुंदर हो गया तो क्या हो गया है, तो किसी का भी काम है, पर भाजपा के जो समर्थक हैं वो सड़कों और रेलवे को लेकर दावा ये करते हैं कि किसी का भी काम था तो पिछले 60 सालों में क्यों नहीं हुआ। सर के यहाँ बताइए, हाँ, क्या आपके पूर्वज भी फोर व्हीलर से चलते थे? अक्सर लोग कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, फलाने ने कुछ नहीं किया है, सबने सब कुछ किया हुआ है। अब समय के हिसाब से अपने आप इंटरनेट आ गया, बिजली आ गई, सरकार अपने आप ही चेंज हो जाती है, समझ रहे हैं ना, परिवर्तन अपने आप हो जाता है। और अब फिर लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, ऐसा नहीं भाजपा ने बहुत बुरा काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पब्लिक के मूड में है कि परिवर्तन करना चाहिए, परिवर्तन करने से और भी ज्यादा विकास होता है, मेरा कहने मतलब। आप कह रहे कि सत्ता आती जाती रहती है तो लोगों की जवाबदेही ज्यादा होती है। अब ये जब आएंगे तो इनको डाउन करने के लिए बहुत बेहतर काम करेंगे, ये जो इंडिया गठबंधन की जो बात की जा रही है, अगर ये आ गए तो बीजेपी को डाउन करने के लिए बेहतर काम करेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। चलिए, अच्छा, परिवर्तन होना जो है वो स्वाभाविक भी है और अच्छा भी है, और ये प्रकृति का नियम भी है। अच्छी बात है, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? विकास सिंह विक्की, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं इनसे भाजपा जिला पंचायत। अच्छा, जिला पंचायत से भाजपा नेता हैं जी। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि लालजी वर्मा जीतेंगे, रितेश पांडे हार रहे हैं। बहुत बुरी तरह से लालजी वर्मा चुनाव हार रहे हैं, कम से कम 4 लाख वोटों से। 4 लाख वोटों से विधायक रहते हुए एक बूथ अध्यक्ष के खिलाफ पैरवी नहीं कर पाए तो क्या विधायकी करेंगे, आप ये बताइए। तो सरकार प्रदेश में आपकी थी इसलिए वो पैरवी नहीं कर पाए, कर कहां पाएंगे, जब उन्होंने कटहरी में विरोध किया, नगर पंचायत नहीं होने दिया, अंडरपास बनने के लिए विरोध नहीं किया, हनुमान मंदिर बन रहा था, छोटा छोटा क्वेश्चन वो विधानसभा में उठा रहे थे, तो विधायक थे कि क्या थे, अब हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, हम अभी जब बात कर रहे थे लोगों से जी, तो वो लोग कह रहे थे कि उन्हीं के टाइम में यहाँ मेडिकल कॉलेज में मेडिकल बना, हमारे शिव बाबा मनवाना था ना, वो टांडम बनवाए, सपा की सरकार थी यहाँ पे, जो मशीनें लगी हुई थी वो सब उठा सैफ ही चली गई, जितनी मशीनें थी। अच्छा, कहाँ गई है आप लोग तय कर लीजिए। अभी अभी उस चौक पे भाजपा के कुछ लोग कह रहे थे आजमगढ़ चली गई, आप कह रहे सैफ ही चली गई आजमगढ़, कुछ सैफ ही उनके जहाँ व्यवस्था थी वहाँ वो ले गए। अच्छा, अभी मैं आपके एक भाजपा के साथी से यही सवाल कर रहा था कि आप लोगों की कितनी विडंबना होती होगी कि कल तक जिस दिलीप रितेश पांडे का विरोध कर रहे थे आप लोग, कल तक तो विरोध ही कर रहे होंगे। हम लोग किसी का नहीं विरोध किए, रितेश पांडे भाजपा से प्रभावित हुए, और जो प्रभावित हुए तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया और हम लोग पार्टी के साथ हैं, पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगा उसका स्वागत है। लेकिन आप लोग भी नेतागिरी कर रहे हैं, दुख नहीं होता है कि दूसरे लोग आते हैं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निर्माण की प्रयोगशाला है। अच्छा, यहाँ पर जो है जो राष्ट्रहित से, देश हित से, समाज हित से, धर्म से प्रभावित होकर के भाजपा में अगर आता है तो उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसको आज सम्मान उसकी जब इस नाते वो भाजपा में आया, इस नाते उसका स्वागत है। अच्छा, चुनाव से पहले ये कौन सा मशीन है जो हृदय परिवर्तन करवाता है? चुनाव से पहले हृदय परिवर्तन जब समय होता है हर चीज का, जब आप बच्चे की शादी तय करते हैं तो जिस देश में देखभाल उसी देश में शादी नहीं करते हैं, आप चार 6 महीने 8 महीने बाद डेट रख के शादी करते हैं, तो हृदय परिवर्तन पहले से हुआ, होते 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 समय आ गया, उन्होंने उनका स्वागत हो गया। अच्छा, सत्ता जब करीब दिखती है तो हृदय परिवर्तन का आप लोग स्वागत करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सत्ता दिखती नहीं है, और ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज वहाँ थे, उनको लगा कि हम बधे हैं, स्वतंत्र है, युवा बेरोजगार नौजवानों के हित की बात हमेशा करते रहे,
रितेश जी हमेशा करते रहे, जब भी रहे, आज भाजपा में आए उनका स्वागत है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बन के आएगा, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता निर्माण की प्रयोगशाला है। कार्यकर्ता बन के आएगा ना, आप तो सीधे सांसद बना के ला रहे हैं। तो यहाँ तो बूथ का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री बन सकता है भाई साहब। ये परिवारवादी पार्टी थोड़ा ही है, ये व्यक्तिवादी थोड़ा है कि नहीं हम है तो हम। अखिलेश यादव जी ने 5 यादव टिकट दिया, वो भी अपने परिवार में। क्या कोई यादव ने आज तक संघर्ष नहीं किया है समाजवादी पार्टी में? कैसरगंज में भाई, एक सेकंड मुझे आपके 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 हिस्से का सवाल मुझे पूछने दीजिए। कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट रहा था कल बृजभूषण शरण सिंह से मेरी बात हुई है, बहुत लंबी बात हुई है, मेरे चैनल पे यूट्यूब पे आप जाके देख लीजिएगा। उन्होंने कहा, पार्टी ने मुझसे कहा कि प्रतीक को लोकसभा दे देते हैं, आप विधानसभा लड़ लेना। ठीक है, तो मैंने जवाब दिया कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, करण को लोकसभा का टिकट दे दीजिए। जी, ये परिवारवाद नहीं है कि ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। संघ के स्वयं सेवक थे हम, हमारे साथ करण भूषण स्वयं सेवक का प्रशिक्षण लिए हैं, हमारे साथ। कौन सा वर्ग किए थे आपके साथ? प्रथम वर्ष। कहाँ पे लगा था शिविर? चलिए ठीक है, नंदिनी नगर में हम लोग ITC किए थे, और हम लोगों का शिविर कहाँ लगा? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, चलिए मैं दूसरे से भी बात कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप मैं यार मेरी भी ना 24 साल की पत्रकारिता हो गई, मुझे भी पता है कौन पार्टी कैसी है। क्या नाम है भाई? विशाल उपाध्याय। उपाध्याय जी, लग रहा सब आप लोग एक ही पार्टी का युवा तुर्क नेता है। जी, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग नेता है। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को बसपा से उम्मीदवार लेने की? मुकुट बिहारी में क्या कमी थी? नहीं, मुकुट बिहारी में कमी नहीं थी, मुकुट बिहारी भी लड़े थे, चुनाव अच्छा लड़े थे, वोट भी बढ़िया पाए थे, लेकिन नहीं जीते, वोट की भारी किस्मत है। लेकिन इस बार हम लोग यहाँ कमल खिलाएंगे और रितेश पांडे सांसद बनेंगे। नितेश पांडे सांसद बनेंगे, क्यों बनेंगे? लोग कह रहे हैं कि सुख दुख में काम नहीं आते हैं। नहीं, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? जितना प्रश्न विपक्ष में रहेंगे, लोकसभा में उठाया, कोई प्रत्याशी उठाया है? अच्छा, वो लोगों के दिलों में राज करते हैं, अब की बार वो सांसद बनेंगे, हम लोग उनको सांसद बनाएंगे भारी मतों से। पर जो सपा के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं जाति समीकरण उनके फेवर में नहीं। समीकरण नहीं है, मुस्लिम यादव कुर्मी को हर वर्ग का वोट मिल रहा है, तभी तो हम लोग जीतेंगे। हम लोग ये विपक्ष के जो हमारे प्रत्याशी हैं, इनको केवल 3 वर्ग का वोट ये जोड़ के चल रहे हैं, उसमें भी हमारा है। हमको अब क्या कर रहे हैं, मुसलमान यादव और कुर्मी आपको वोट दे, उसमें हाँ उनका भी वोट मिलेगा हमको। 80 हुई हमारी है, 20 में बंटवारा है। अच्छा, 80 हो रहा है। अच्छा, 80 हमारी है, मतलब यादव कुर्मी सब आपको मिल रहे हैं? हाँ, सब जितनी जातियाँ हैं सब। 80 पर नाच करते हैं, 80% के हिसाब से परसेंटेज निकाल के। कल अखिलेश यादव जी मंच से बोल रहे थे, माननीय जयशंकर पांडे जी पूर्व विधायक, एक बार उनका नाम तक उन्होंने नहीं लिया, एक बार मन से उनका नाम तो नहीं लिया। मैं चाहता हूं, अगर आप अच्छी की बात करते हैं तो अम्बेडकर नगर सीट लोकसभा बैकवर्ड के खाते में जानी चाहिए, दलित के खाते में जानी चाहिए। और दूसरी बात, देखिए साधु यादव जी, आप फिर से जाति पे आ गए, वो फिर से धर्म पे जा रहे हैं। जो आप लोगों का जो अपना अपना प्ले ग्राउंड है ना, होम टर्फ है, आप जाति का गणित बैठा रहे, वो धर्म का गणित बैठा रहे। मेरा क्वेश्चन था, 10 साल से बीजेपी सरकार चल रही है, सहारा इंडिया में पैसा वही जमा किया है जो फुटपाथ पर दुकान लगा रहा है, इनके पैसे वापसी की बात कभी नहीं ये लोग करते हैं। कटहरी में केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की लागत से बाईपास बनेगा। सवाल पूरा हो जाएगा। अरे यार, रुको, आप जवाब देना। आधे का बजट हो गया। अच्छा, ये बताइए, आप बजट आ गया, कह रहे हैं स्वीकृत हो गई, जब दूसरा बोल रहा हो तो दूसरे ना बोले, मैं सबके पास आऊंगा। बताइए अब उनके सवाल पे क्या जवाब है आपका? जवाब यही है कि परसों स्वीकृत हो गई है, अच्छा सी अभियंता सौरभ सिंह के, उनके पास बजट भी आ गया है। अच्छा, सर मेरा भी एक सवाल है, मान लीजिए आप एक साल में दिए फिर कैंसिल किए, 1 किलोमीटर शेष बना है, जो व्यापारी अपना मकान तोड़ लिए हैं, उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? चलिए अब इनके सवाल का जवाब दे, चुकी लोकल लेवल का मसला है तो मुझे बहुत इसकी जानकारी है। भाई साहब व्यापार मंडल है, भाई साहब व्यापार मंडल अध्यक्ष के सहयोगी है, व्यापार मंडल के सदस्य है, ये साधु यादव जोड़ करके निवेदन कर, आपको पता था, अगर कहा गया है सरकार बार बार करे हम बाईपास बनाएंगे, निवेदन भी किया जा रहा, मिलजुल भी रहे हम लोग। आलजी वर्मा जी ने जो है सीधा आरोप लगाया कि नहीं, ये तो आपके ही वोटर हैं, हमारे बाजार के बनिया समाज लोगों का कि आपके वोटर है विधानसभा में, और भाई साहब भी संघर्ष किए, ऐसा नहीं संघर्ष नहीं किए बाईपास के लिए। अभी बाईपास स्वीकृति हुई, माननीय योगी जी आए थे,
बोल के गए, आप पेपर में पढ़े होंगे, हिंदुस्तान में ही छपा था, हिंदुस्तान में ही छपा था, चुनाव शासन से मंजूरी मिलने के हिंदुस्तान में ही छपा था धन के आवंटन के लिए। और सबसे पहले काम व्यापार मंडल के अध्यक्ष के करीब होने आते आपने अपना घर तोड़ा, जब व्यापार मंडल जब बार बार मेरे घर के सामने जब पुकलैंड द्वारा खुदाई की जा रही है, अगर मैं न तोड़ता तो तोड़ के मेरा घर उठा ले जाते। चल के आप देख लीजिए किसी का घर नहीं तोड़ा उन्होंने, और बता दें आप तोड़ा किसी का घर, कितने लोग स्वेच्छा से तोड़े हैं 8 महीने लगातार। अच्छा चलिए, ये थोड़ा मुझे लग रहा मामला व्यक्तिगत होता जा रहा है, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है? दीपक तिवारी होगा। दीपक जी किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं? दोनों पार्टी वाले हाईजैक कर लिए हैं। नहीं नहीं पार्टी से नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप पार्टी से नहीं जुड़े हैं, तो एक मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष मतदाता है, ठीक है, एक मतदाता के तौर पर रितेश पांडे का 5 साल का कैसा था कार्यकाल? बहुत अच्छा कार्यकाल था, हमारे लोकसभा के सबसे अच्छे सांसद थे, इन्होंने हमारे अम्बेडकर नगर के अनेक मुद्दों को उठाया, जैसे हमारे यहाँ बगल में अंडरपास है नहीं बन रहा था उसका मुद्दा उठाया, तमाम ऐसे जनहित के कार्य किए हैं जिससे जनता प्रभावित है। और रितेश जी लगभग 3-4 लाख मतों से इस बार चुनाव जीते। अच्छा ये डेटा आप लोग कहाँ से लाते हैं? अगल बगल सुनते हैं तो पता चल जाएगा? सुनते नहीं है, ये बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट नहीं बता पाते हैं कि कितने मतों से जीत रहे हैं। नहीं, हम लोग समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, घूमते हैं, जनता की ये जनता का रिस्पांस है कि इस बार रितेश जी भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा भारी मतों से जीत रहे हैं जी। चलिए क्या नाम है सर आपका? रोहित जी क्या करते हैं? जी हमारी ज्वेलरी शॉप है। ज्वेलरी शॉप है तो व्यापार था। अच्छा चलिए पॉलिटिक्स से इधर बात करते हैं, कैसा है व्यापार धंधों की हालत कैसी है? व्यापार बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ। बेतहाशा महंगाई हो चुकी है। हाँ हाँ। गरीब तबका परेशान है महंगाई से, कमाए क्या, खाए क्या, अपने बच्चों को पढ़ाए क्या। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस सरकार से कुछ चीज़ें तो फायदेमंद, कुछ चीज़ें नुकसानदायक भी हैं कि हर चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अच्छा फायदा किन चीज़ों पर हुआ है? फायदा किन चीज़ों, रोड बने हैं और किसानों के खाते में कुछ आ रहे हैं, और कुछ चीज़ें नुकसानदायक भी हैं। कि क्या नुकसानदायक है? कि आवारा मवेशी, छुट्टा गाय, ये सब घूम रहे हैं और सारी समस्याएं हैं। चलिए तो ठीक, ये अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के लोग थे, इनकी राय आपने सुनी, इनके अपने मुद्दे हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, लेकिन ये साफ है कि मुकाबला बहुत तगड़ा है। 25 मई को ये लोग वोट डालेंगे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तभी समझ में आएगा कि किसके दावों में कितना दम था। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहेंगे, लोगों की राय आपको बताते रहेंगे और प्रत्याशियों से आपके हिस्से का सवाल पूछते रहेंगे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।